क्या हाल है गेमर्स, मैं हूं बोल्ड एंड गाइस आप सभी भाइयों को लॉ साइलेंट डे नंबर 15 में स्वागत कर रहा हूं। तो गाइस डे नंबर 13 में हमने एक चीज देखा था। अरे हाँ यार, तूने एक एससीपी वाटर ड्रैगन को देखा था। हाँ गाइस, एससीपी वाटर ड्रैगन को देखा था। आज उसी वाले वाटर ड्रैगन को हम लोग टेम करने वाले। अरे लेकिन कैसे कर सकते, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे उसको टेम कर सकते हैं और मैं थोड़ी ना करने वाला। अरे हाँ, आज तो थॉर हेल्प करने वाला है तेरे को। हाँ गाइस, आज मुझे हेल्प करने आ रहा है यहाँ पे कौन गाइस, मार्वल एवेंजर्स से थॉर। तो काफी मजेदार एपिसोड होने वाला है। आप लोगों ने तो थंबनेल देख लिया, एक बार हम आयरन मैन भी बने थे। तो गाइस अगर आयरन मैन वाला नहीं देखा तो वो चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। वैसे ये क्या चीज है? अरे बोल, टेलीपोर्टेशन रिमोट क्यों निकाल रहा है भाई, अपना स्कोप निकाल ले। ओके स्कोप निकाल लिया गाइस, देख सकते हो हेवनली टपेज जरा लेवल 40 में इसका 1.1 मिलियन हेल्थ है और नॉट टेमेबल। लेकिन गाइस आप सभी भाइयों को एक चीज पता है कि मैं नॉट टेमेबल चीजों को टेम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है यार, मुझे पता है, और अपने भाई लोगों को भी बताया तो तू टेम कर ही लेगा। हाँ करने की कोशिश करेंगे गाइस, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता बट आई विल ट्राई, ठीक है। एंड देख सकते हो, अरे यार ये जेलीफिश पानी में रहे भाई, पानी में रहे, कि पानी के बाहर कौन रहता है जेलीफिश यार, अलग ही दुनिया है भाई। प्राइम सिंडर इसको तो किसी ने अटैक भी कर दिया होगा। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करता, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो साइबर ड्रैगो। A few minutes later. Guys, आप सभी भाइयों को पता है मेरे पीछे कौन है? अरे बता भी दे यार, थॉर ही होगा। हाँ गाइस थॉर है, तो चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। अरे मैं लटक क्यों रहा हूँ? मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बोल्ड, मैं थॉर हूँ, गॉड ऑफ थंडर, और लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि तू टब से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। आ जा मेरे अंदर, समा जा। अंदर समा जा मतलब? मतलब मेरा सूट ले ले। ओके गाइस, तो मैं अभी थॉर का पावर दिखाने वाला हूँ, तो निकालते हैं बंदूक। अरे बंदूक क्यों निकल रहा है बोल, मैं तेरे को घुसा दूंगा अंदर। अरे गलती से निकल गया थॉर, मुझे माफ करना, गलती से निकल गया था ये थॉर। अरे यार थॉर गलती से निकल जाता है, इतना क्रू है यार थॉर। ये गाइस देख सकते हो थॉर का लेवल है 1155 26000, इसका मिली डैमेज है एंड 16.7 मिलियन इसका हेल्थ है। अरे भाई बनी तू देख रहा है? अरे हाँ यार देख रहा हूँ, काफी मजा आने वाला है, चल यूज करते हैं। ओके मेरे बॉडी का उल्टा पुल्टा यूज मत करना लेकिन बोल। अरे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत पावर यूज करके देखते हैं। एक मिनट गाइस, यूज कर, ये उड़ नहीं सकता क्या? मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, और तू क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने ही घर में पावर यूज कर रहा है मेरा? अरे सॉरी मारे थॉर, ये समझा करो यार। एंड बनी तू तो कंधे पे ही बैठ गया। अरे हाँ ये थॉर के कंधे पे बैठ के अच्छा लगता है। ओके तो चलो, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डायनासोर है क्या? ओके हाँ स्ट्रॉन्ग डायनासोर तो यही है, इसको मार के देखते हैं। ओ 3 मिलियन 6 लाख का डैमेज भाई, इसका बस हथौड़े का पावर ही 3 मिलियन है, तो इसका बिजली का ताकत का कितना हो सकता है? और बहुत कुछ चीजें मिल रहा है गाइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार थॉर, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तू बार बार उतर क्यों जाता है बोल, उतर क्यों जाता है? इस बार मत उतरना मेरे बॉडी से। ओके नहीं उतरेंगे यार थॉर, तू गुस्सा क्यों करता है यार, मेरे को डर लगता है तुम जब गुस्सा करते हो यार। ओके गाइस तो यहाँ पे और एक घोड़ा है, इसको मार के देखो। ओके बिजली का झटका देके देखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, 7 मिलियन ऑलमोस्ट 7 मिलियन का इसका बिजली का झटका है। लेकिन थॉर तुम दौड़ क्यों नहीं सकते, मतलब उड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये डायनासोर का दुनिया है, तो डायनासोर की दुनिया में मैं ऐसे जा सकता हूँ लेकिन उड़ के नहीं जा सकता। ये भी तो उड़ना ही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई खतरनाक डायनासोर है क्या? अरे इसने मारा कहीं पे और, डायनासोर मारा कहीं पे और यार। थॉर तुम तो काफी शक्तिशाली हो। हाँ थोड़ी ही दूर में एक बेसिलिस्क है जो कि बहुत आतंक फैला रहा है, तो तू उसके साथ पंगा ले सकता है। तू नहीं, तुम करके बुलाओ। ओके तुम, आई एम सो सॉरी, तो आगे ही है वो बेसिलिस्क। ओके ये रहे ना बेसिलिस्क। हाँ ये है बेसिलिस्क, तो मार के दिखाओ। अरे ये बेसिलिस्क तो काफी वीक लग रहे। वीक काफी स्ट्रॉन्ग है यार थॉर। थॉर के सामने, बिजली के देवता के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। अरे यार सही में कुछ भी नहीं थे यार, काफी आराम से मर दिए यार, काफी आराम से, 2-3 मिलियन का डैमेज दे रहा है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग है यार। गॉड ऑफ थंडर इज गॉड ऑफ थंडर गाइस, एंड देख सकते हो यार ये इंसाफ दे रहा है यार। अरे यार डायनोफिटिकस, तुम किसी और को मार रहे हो? तो मैंने इसको भी मार दिया, ये लोग मेरे को अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोग को लग रहा है कि तुम घुसपैठी हो, तुम डायनासोर के दुनिया में आ गए हो ना थॉर, तो इन लोग को लग रहा है कि तुम घुसपैठी हो। ओके तो यहाँ पे कोई और भी गंदे डायनासोर, ये गंदा तो नहीं है ना? नहीं ये अच्छा, ये अल्फा गैस बैग है, ये अच्छा है, अच्छा डायनासोर है, फूंकता रहता है। एक मिनट, कोई पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ कोई स्ट्रॉन्ग डायनासोर या कोई कुछ तो होगा यहाँ पे जो आतंक फैला रहा है, तो यही है क्या? और ये तो मेटल डायनासोर, अरे इसको क्यों मार दिया यार थॉर, इसको नहीं मारना था यार, मेटेलिक था। और क्यों इसको मार सकते हो? एंड गाइस यहाँ पे कुछ रोबोट जैसे चीजें मेरे को दिखाई रहे, की ऐसे कर रहे। अरे हाँ यार बोल, ये क्या चीज है? अरे यार थॉर ने तो जला भी दिया यार,
और के सामने यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं रह सकता। अभी मैं इन लोग को बिजली का झटका देके खत्म करता हूँ। अरे इसने तो सारा का सारा चीजें उड़ा दिया भाई। बनी ये तो काफी सारे थॉर, वो मर गया यार। नहीं लग रहा है वो मर गया, मुझे इसको दोबारा मरना पड़ेगा। अरे यार थॉर मर गया ये रे मेरे भाई, मेरे गॉड ऑफ देवता, ये मतलब देवताओं के महाराज, प्लीज रुक जाओ। अरे यार थॉर तो रुकेगा नहीं गाइस, आज तो थॉर अच्छे मतलब बहुत ही खतरनाक खतरनाक डायनासोर्स को मार के रख देगा। जैसे कि देख सकते हो मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं। एंड थॉर रुकेगा नहीं, अब तो ये झुकेगा नहीं बट रुकेगा भी नहीं साला। तो चलो पानी है तो पानी है, तो क्या हुआ मैं पानी के अंदर भी दौड़ सकता हूं? तुम निंजा हथौड़ी हो क्या? ये निंजा हथौड़ी कौन है? मैं सिर्फ अपने आप को जानता हूँ, लौकी को जानता हूँ। लौकी? अच्छा अच्छा, लौकी नहीं लौकी बोल, लौकी यार। अरे सब्जी के साथ कंपेयर कर रहा है मेरे भाई को। अरे नहीं यार मैं बोल रहा हूँ, तू इतना गुस्सा काहे करते हो भाई? अरे यहाँ पे तो इंसान है और ये लोग मेरे को मार क्यों रहे? अरे इसको देखो, ये कोई बिजली का आदमी लग रहा है। बिजली का आदमी? मैं बिजली का देवता हूँ, मैं गॉड ऑफ थंडर थॉर हूँ, मैं इंसाफ दिलाने आ रहा हूँ और तुम लोग मुझे मारे जा रहे हो। ये देखो एक अजनबी बिजली का आदमी आ रहा है। अरे ये कौन है भाई? मैं हूँ जायंट सेंटीपीड। जायंट सेंटीपीड? ये ले। अरे यार थॉर के सामने जायंट सेंटीपीड को थोड़ी आना था भाई। और अरे भाई यार तुम लोग क्यों आ रहे हो थॉर को चैलेंज करने के लिए? ये थॉर है भाई, कोई स्ट्रॉन्ग डायनासोर आओ भाई। तुम बिजली के देवता के सामने यार कोई भी आ जाते हो यार, कोई वैल्यू ही नहीं रहा यार थॉर। ओके गाइस तो देख सकते हो, अरे यही है थॉर जो मेरे को मार रहे थे उस दिन। ये क्या है? ये यार पानी वाले मकड़ियां हैं। तो चलो पानी में ही मारते, इतने सारे मकड़ियां हैं तो एक ही साथ मार देंगे ना। अरे यार थॉर तुम्हारा क्या ही कहेंगे भाई, देख सकते हो एक ही साथ मार दिया यार, इतने बड़े बड़े मकड़ियों का क्या ही हालत कर दिया यार। थॉर ओपन द कमेंट सेक्शन गाइस। Approximately 10 hours later. बोल्ट ये अब कौन सा प्राणी? अरे ये एक अल्फा नहीं नहीं एक बीटा अल्फा क्रेंटोसोरस है। चलो मैं दिखाता हूँ। अरे इसके पेट से तो कुछ कीड़े निकल गए। लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो यार थॉर, तुम तो इसको मार सकते हो। मैं इन लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं डर के भाग रहा हूँ, अभी मैं इन लोग को अटैक करने वाला हूँ और समाप्त। अरे यार थॉर के बारे में गाइस क्या ही कह सकते हैं, देख सकते हो गाइस थॉर तो गेम प्लान करने के लिए भी जानता है। अरे ये मेंढक तो थॉर को मारने के लिए आ रहा है। अरे वहाँ पे तो एक स्पिरिचुअल अल्फा कर्किनोस है, तो ये इस इलाके का बॉस लग रहा है, इसको डराते हैं। अरे लेकिन संभाल के, मुझे संभालने के लिए मत बोल बोल। अरे तुम जो भी हो मेरे इलाके से डर जाओ। अरे ये तो थॉर है, मुझे भागना चाहिए। देखा बोल्ट, ये खुद से डर के भाग रहा है। अरे हाँ यार गाइस ये स्पिरिचुअल अल्फा कर्किनोस भाग रहा है। तो चलो इसको दिखाते, इसने मेरे को दम दिया था तो इसको अभी दिखाते। आई एम गॉड ऑफ थंडर थॉर। अरे भाई साहब गाइस थॉर ने एकदम समाप्त कर दिया गाइस, स्पिरिचुअल अल्फा कर्किनोस का एकदम खेल तमाम कर दिया। तो यहाँ पे भी हो सकते हैं कुछ कंडे वाले डायनासोर्स है ना बोल्ट? हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे हैं एंड मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे बिजली वाले। अरे यहाँ पे बिजली वाले डायनासोर्स भी है। मैं बिजली का देवता हूँ, इन लोगों से मैं क्या डरूंगा। चलो एक ही साथ समाप्त करके रख देते। संभाल के, लेकिन मुझे संभालने के लिए मत बोल बोल, मैंने बोला ना। ओके ओके तो यूज कर अपना पावर्स। चलो यूज करते हैं बिजली के देवता का पावर्स। अरे गाइस देख सकते हो ये थॉर तो ओपी निकला यार, सही में कितने पावरफुल पावरफुल डायनोस्टर्स थे यार, सभी को खत्म कर दिए। और यहाँ पे भी है यार, अरे यहाँ पे कितने सारे मगरमच्छ मिल करके एक मार रहे यार पर्ल वर्ल्ड कर्किनोस को। लेकिन यार थॉर तुमने तो यार पर्ल वर्ल्ड कर्किनोस को भी मार दिया। अरे क्या कर सकते हैं, मेरे पावर्स इतना है कि अगर मैं यूज करूंगा तो आसपास के डायनासोर्स मरेंगे ही मरेंगे। हाँ गाइस वो भी है, आप क्या ही कर सकते हैं यार, थॉर का पावर ही इतना है, इसलिए लोग थॉर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गाइस थॉर इज वेरी पावरफुल यू नो, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे ये घड़ियाल अटैक करने के लिए क्यों आ रहा है? ओ भाई साहब दो टुकड़ा करके रख दे यार घड़ियाल का। अरे भाई साहब क्या ही स्ट्रांग है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए एससीपी को भी टेम करना है। अरे ये तो बेचारे स्टेगोसोरस को मार रहे हैं, मैं भी इसको मार देता हूँ। अरे यार तुम सही में इंसाफ का देवता हो यार, सही में इंसाफ का देवता। एंड हाँ तुम एससीपी को ढूंढो, एससीपी तुमको गहरे समुंदर में मिलेगा। ओके मैं गहरे समुंदर के ओर जा रहा हूँ। ओके अरे यहाँ पे डेल्टा कर्किनोस एक स्टेगोसोरस को मार रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आता? एक स्टेगोसोरस को मार रहे हो, बेचारे स्टेगोसोरस को मार भी दिए यार। अरे बोल्ट ये देखो, ये तो एक क्रिस्टल कछुआ है। अरे हाँ यार बोल्ट ये देख, ये तो क्रिस्टल कार्बोनिमिस है, कितना खूबसूरत है ना बोल, इसको तो अगले एपिसोड में जरूर पकड़ लेना। हाँ गाइस अगले एपिसोड में पकड़ना पड़ेगा कुछ अच्छे खासे डायनासोर्स को। एंड थॉर तुम समुंदर के बिल्कुल करीब हो। हाँ मुझे समुंदर का खुशबू सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है मतलब सूंघ पा रहा हूँ, समुंदर के करीब हूँ तो ये है खूबसूरत
ब्लू समुंदर, तो मुझे अपने पावर्स को एक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि समुंदर के गहराई में मेरे पावर ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ वाटर। अरे तुम यार साइंस में काफी वीक हो यार, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेगलाडोन है, ये तो समुद्री शार्क है, इसको तो मैं आराम से मार सकता हूँ। या अरे यार थॉर तो ऑब्वियसली सभी को मार सकते हैं, लेकिन थॉर तुम जिस एससीपी को मारने जा रहे हो वो भी बिजली यूज कर सकता है। अच्छा वो भी बहुत ताकतवर है क्या, इसलिए तुमने मुझे बुलाया ना? हाँ इसलिए तुमको बुलाना ही पड़ा यार, उस एससीपी को मैं खुद से टेम नहीं कर सकता था कभी भी नहीं, तो इसलिए तुमको बुलाना ही पड़ा। तुमने आयरन मैन को क्यों टेम नहीं करा? टेम कैसे कर सकता आयरन मैन को, मतलब बुलाया नहीं क्योंकि आयरन मैन को मैंने एक बार बुलाया था, इस बार तुम ही हेल्प कर दो यार। 2000 years later. बोल तुमने सही बोला था, ये तो काफी शक्तिशाली है, ये काफी शक्तिशाली है, बिजली का हमला मेरे पे यूज कर रहा है, मुझे अपना पूरा शक्ति लगाना पड़ेगा। बोल मैंने बोला था ना थॉर, मैंने बोला था, अब तुम क्या करोगे? तुम घबराओ मत, मैं इस वाटर डायनासोर को, वाटर इलेक्ट्रिक ड्रैगन को, हाँ ड्रैगन को टेम करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। उसके लिए मुझे ओडिन का और शक्ति चाहिएगा और मुझे अपना फुल शक्ति लाना पड़ेगा। ओडिन मुझे फुल शक्ति दे दो। One eternity later. तो बोल्ट मैंने तुम्हारे लिए फाइनली टेम कर ही दिया इस इलेक्ट्रिक ड्रैगन को। अरे थैंक यू सो मच यार। अरे बोल्ट यार इसने फाइनली टेम कर, इतना बड़ा ड्रैगन है, देख सकती हो गाइस, मैंने लाइफ में गाइस आर्किडू ने इतना बड़ा ड्रैगन को देखा नहीं। तो मेरा कार्य, मेरा मिशन इधर ही समाप्त होता है बोल्ट, मैं तुमसे मिलूंगा बहुत जल्द। अरे ये क्या कर रहा है यार थॉर? ये एक शार्क को मार रहा है। अरे अगर शार्क ने इसको मार दिया, अरे तुम भी यार, शार्क इसको कैसे मार सकता है? फिर भी तुम्हारे तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो शार्क का क्या ही हाल कर दिया यार, ये एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन है जिसने मेरे को अटैक करा, तुमको लगा कि ये छोटा सा शार्क इसको कुछ कर सकता है, तो इसको तुम अपने सोल गन में डाल लेना। एंड गाइस अगर आप लोग को थॉर पसंद आया है तो डेफिनेटली थॉर के नाम पे अपने बोल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस।